आप भी भारतीय टीम को विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम मानते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का बेहद रोमांचक दौरे करने के लिए वहां पहुंच चुकी है, जहां उसे टेस्ट और ओडीआई में साउथ अफ्रीका से दो दो हाथ करने हैं। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम आज तक एक भी सीरीज जीतने में नाकाम रही है और आपने इस सिलसिले को तोड़ने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने काफी समय पहले ही जमकर अभ्यास किया है, जिसका नतीजा टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। वहीं आज के दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसी रही आज के प्रवीण सर की क्लास। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में बेहतरीन गेंदबाज कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 26 दिसंबर से भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका दौरा शुरू हो जाएगा, जहां उसे 3 टेस्ट और इतने ही ओडीआई मैचों में अफ्रीकी टीम का सामना करना है, जहां भारतीय टीम का पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला जाएगा। और वहीं बीसीसीआई ने विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को दे दी है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट में जबरदस्त विवाद देखने को मिल रहा है, जहां हर दिन एक नया विवाद या एक नई कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन विवादों में सबसे बड़ा विवाद विराट कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बयानों को लेकर है, जहां विराट कोहली ने सौरभ गांगुली के बयान को झूठा साबित करते हुए क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी, जिसके बाद से ही भारतीय क्रिकेट का समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन इन सबके बीच भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 10 दिन पहले ही वहां पहुंच चुकी है, जहां उसने जमकर अभ्यास करना शुरू कर दिया है। और वहीं आज के सेशन में भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली के साथ सभी खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका पिचों पर जबरदस्त उछाल और स्विंग देखने को मिलता है, जिसके लिए टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय खिलाड़ियों से नेट में टेनिस गेंद भिगोकर प्रैक्टिस करवाई, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की उछाल लेती गेंदों का सामना करने में कोई दिक्कत न आए। वहीं चोटिल रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी के अलावा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है। ऐसे में टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली के साथ साथ केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के कंधों पर अतिरिक्त दबाव रहेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों ने आज नेट सेशन में जमकर अभ्यास किया। वहीं विराट कोहली ने बाहर जाती गेंदों को छोड़ने का प्रयास किया। वहीं तो आपको बता दें कि विराट कोहली को बाहर जाती गेंद काफी तंग करती है, जिसकी वजह से वो कई बार आउट हो चुके हैं। लेकिन इस बार उनके प्रैक्टिस को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो साउथ अफ्रीका में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं मयंक अग्रवाल और केएल राहुल के साथ श्रेयस अय्यर ने भी नेट में जमकर अभ्यास किया। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की फॉर्म में देखते हुए ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में धमाकेदार डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर को पहले टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिलेगा। वहीं आर अश्विन ने भी नेट में जमकर पसीना बहाया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले टेस्ट में उनकी जगह प्लेइंग 11 में तय है। हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी जमकर अभ्यास किया, जिसमें उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने लगातार गेंदबाजी का अभ्यास किया। दोस्तों, भारतीय टीम के इसी प्रैक्टिस को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट में चल रहे विवादों का असर इन खिलाड़ियों पर बिल्कुल भी नहीं है और साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने के लिए ये अपना 100% देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से साउथ अफ्रीका दौरे पर सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।